आज हम एकदम नए तरीके से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार सी फ्लावर गार्लिक ब्रेड को हमने कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, नासान किचन में आपका स्वागत है एक और नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्लावर गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और जिसमें हमें लेना है 2 चम्मच गार्लिक। तो गार्लिक को बारीक चॉप कर लिया है हमने, इसे हमें सिर्फ 2 ही चम्मच लेना है। अब इसमें हमें डालना है बटर। तो बटर यहाँ हम पूरा नहीं लेंगे, 3 से 4 चम्मच इसमें हम बटर डालेंगे। तो देखिए बटर हमने इसमें डाल लेना है 4 चम्मच। तो देखिए 4 चम्मच बटर हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 ही चम्मच डालेंगे हम इसमें सीजनिंग और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब और कुछ हमें इसमें ऐड नहीं करना है। सिंपल सी फ्लावर ब्रेड बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम ब्रेड को रेडी कर लेते हैं और अच्छा सा फ्लावर सा डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसमें हमें अच्छी तरह से बटर को स्प्रेड कर देना है। तो अच्छी तरह से बटर को लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है और जब बटर अच्छी तरह से लग जाता है तब इसे हमें कट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा हमें कट किस तरह से करना है। तो देखिए पहले नीचे वाले हिस्से से इस तरह से हाफ कट करेंगे, फिर इस वाले हिस्से को भी हमें हाफ कट करना है और ऊपर वाले हिस्से पर भी हाफ कट करना है इस तरह से। और अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसे भी हमें इस तरह से कट कर देना है। तो ध्यान से आपको देखना है कि हमें इसमें कट किस तरह से लगाने हैं। तो देखिए जब हमने कट्स लगा लिए हैं ना, तो हमें एक हिस्सा बीच का उठाकर इस तरह से मोड़ना है और साइड वाला उसके ऊपर रखना है और बीच वाले को भी मोड़ते हुए नीचे वाले हिस्से को इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए एक पीस अच्छी तरह से हमारा रेडी होकर तैयार हो गया है। अब सेकंड वाली ब्रेड को भी इसी तरह से हम रेडी कर आपको दिखा देते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस इस प्रोसेस को आपको बहुत ही ध्यान से करना है और आपको चारों तरफ ही हाफ हाफ कट लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं से मिस मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि इस गार्लिक ब्रेड को हमें कैसे बनाना है। तो देखिए एक पीस और हमारा रेडी होकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए यहाँ हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, जिससे क्या होगा ब्रेड के जो स्लाइस हमने आपस में दबाए हैं वो स्टिक रहेंगे, निकलेंगे नहीं। देखिए जैसे कि ये पीस निकल रहा है तो हम इसे अच्छे से मोज़रेला चीज़ लगाकर स्टिक कर देंगे और जब ये अच्छे से जब इसे हम सेकेंगे ना तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको इसे बना लेना है। तो देखिए हमने यहाँ एक पैन लिया है, 1/2 चम्मच बटर डालेंगे और बटर को अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे और बटर मेल्ट होने पर हमें गार्लिक ब्रेड को इस तरह से रख देना है। और अब इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट बाद हम चेक कर देखेंगे। तो ये 2 मिनट में अच्छी तरह से देखिए सिककर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे और देखिए आप कितनी अच्छी फ्लावर ब्रेड बनी है हमारी, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। अब एक और ब्रेड को देखिए मैंने यहाँ पर सेक लिया था, इसे भी अब हम निकाल लेते हैं और इस तरह से देखिए कितनी मज़ेदार सी फ्लावर गार्लिक ब्रेड बनकर हमारी रेडी हो गई है। हमने इसे हल्की सी शिमला मिर्च भी लगा दी थी बीच में, जिससे कि ये अच्छी दिखाई देगी हमारी गार्लिक ब्रेड। तो फ्रेंड्स आपने गार्लिक ब्रेड तो कई तरह की बनाकर खाई होगी, अब आप इस तरह से एक बार गार्लिक ब्रेड ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप देख सकते हैं बैक साइड कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी सी ये बनकर तैयार हुई है। और ये गार्लिक ब्रेड खाने में इतनी अच्छी लगती है कि आपका देखते ही इसे खाने का मन करेगा।
और बच्चे तो इसे देखते ही खाने की जिद करेंगे। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से ये फ्लावर गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस गार्लिक ब्रेड को बनाकर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार सी फ्लावर गार्लिक ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी।